गुड इवनिंग, नमस्कार। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन द स्कूल पे। अभी मैं हॉस्टल में हूँ। हॉस्टल मीन्स हॉस्टल वाले बच्चों के साथ। शाम का वक्त है, इवनिंग स्टडी बच्चों के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन आज मैंने सोचा कि उन्हें लोग को कुछ अलग किया जाए। अलग का मतलब ये सभी बच्चे नर्सरी एल के जी यू के जी के हैं, और इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिशन न्यू हुआ है, और मे भी संभावना है कि उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको संडे मंडल क्लियर नहीं होगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि इन सभी बच्चों को संडे मंडल हटवाया जाए, ताकि जो भी कुछ भूल रहे होंगे बच्चे, उन्हें ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए और संडे मंडे याद हो जाए। आप भी अपने बच्चों के साथ इस प्रकार से घर में याद करवा सकते हैं। तो चलिए हम लेटेस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग में से ये बताइए कि संडे मंडे किनको नहीं आता है, यानी संडे मंडे जो है पूरा संडे टू सैटरडे, इतने बच्चे को नहीं आता है। नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिनका एडमिशन अभी हाल के दिनों में हुआ है, यानी महीना डेढ़ महीना के भीतर हुआ है। चलिए हैंड डाउन कर लेंगे, और मैं आप लोग को अभी संडे मंडे मैं बोलूँगा और आप लोग भी पीछे से बोलेंगे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संडे बोलेंगे एस यू एन डी ए वाई, संडे। संडे मीन्स रविवार। संडे मीन्स एम ओ एन डी ए वाई, मंडे। मंडे मीन्स सोमवार। टी यू ई एस डी ए वाई, ट्यूजडे। ट्यूजडे मीन्स मंगलवार। ट्यूजडे मीन्स इसके बाद है वेडनेसडे, डब्ल्यू ई डी एन ई एस डी ए वाई, वेडनेसडे। वेडनेसडे मीन्स बुधवार। इसके बाद है थर्सडे, टी एच यू आर एस डी ए वाई, थर्सडे। थर्सडे का दो हिंदी होता है, एक होता है गुरुवार, एक होता है बृहस्पतिवार। आप गुरुवार ही याद करेंगे। थर्सडे मीन्स गुरुवार। इसके आगे है फ्राइडे, एफ आर आई डी ए वाई, फ्राइडे। फ्राइडे मीन्स शुक्रवार। फ्राइडे मीन्स शुक्रवार। उसके बाद है सबसे लास्ट वाला सैटरडे, एस ए टी यू आर डी ए वाई, सैटरडे। सैटरडे मीन्स शनिवार। अभी मैं एक दो बार और बुलवाऊंगा, और ये आप देख सकते हैं सभी बच्चे अपना बुक में निकाल कर रखे हुए हैं, वो अपना बुक से भी देख रहे हैं और साथ में मैं भी याद कर पा रहा हूँ। फिर से अगेन एंड अगेन, एस यू एन डी ए वाई, संडे। संडे मीन्स रविवार। एम ओ एन डी ए वाई, मंडे। मंडे मीन्स सोमवार। टी यू ई एस डी ए वाई, ट्यूजडे। ट्यूजडे मीन्स मंगलवार। डब्ल्यू ई डी एन ई एस डी ए वाई, वेडनेसडे। वेडनेसडे मीन्स बुधवार। वेडनेसडे मीन्स बुधवार। थर्सडे, टी एच यू आर एस डी ए वाई, थर्सडे। थर्सडे मीन्स गुरुवार। इसके बाद फ्राइडे, एफ आर आई डी ए वाई, फ्राइडे। फ्राइडे मीन्स शुक्रवार। इसके बाद सैटरडे, एस ए
Saturday. Saturday. Saturday means? देखिए मैं ये आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि इस प्रकार से याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। साथ में जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं अपने बच्चों को भी घर में इस प्रकार से याद करवाएं और पूरे दिन भर में कम से कम एक घंटे का वक्त अपने बच्चों के साथ दीजिए, अपने बच्चों के साथ बिताइए, तब उनमें ज़्यादा विकास होगा बनिस्पत जब बच्चे को अकेले आप होमवर्क करने के लिए देते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी पेरेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं अपने बच्चों के साथ इसी प्रकार से व्यवहार करेंगे और इसी प्रकार से बच्चों को याद करने करवाने का प्रयास करेंगे तो बच्चे को याद भी होगा और बच्चे याद कर विद्यालय में सुनाएंगे भी, क्योंकि विद्यालय में बहुत जल्द सेकेंड टर्मिनल का एग्जामिनेशन होने वाला है। और ये सभी बच्चे ऐसा नहीं कि दो बार में याद हो गया होगा, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसके लिए मैंने दो ही बार इसमें याद करवाया, बाकी मैं वीडियो के बाद भी याद करवाऊँगा। ऐसा नहीं है कि किन्हीं को अभी याद हो गया होगा, दो बार में किन्हीं को याद नहीं होता है जब तक कि बार बार उसको रिपीट नहीं करवाया जाए। कुछ बच्चे इनमें से पहले बोल रहे थे वीडियो बनाने के पहले कि मुझे हिंदी में प्रॉब्लम है सर, तो एक बार हम लोग इंग्लिश टू हिंदी कर लेते हैं, यानी सिर्फ मैं इंग्लिश में बोलूँगा संडे तो आपको बताना है उसका हिंदी। संडे मीन्स मंडे मीन्स ट्यूजडे मीन्स वेडनेसडे मीन्स थर्सडे मीन्स गुरुवार फ्राइडे मीन्स शुक्रवार फ्राइडे मीन्स सैटरडे मीन्स शनिवार। एक बार हम जहाँ तहाँ से करके देख लेते हैं। कुछ बच्चे इनमें से हैं जिनको याद होगा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी न्यू पीरियड है तो अभी नहीं याद हो पाया होगा। आप में से कोई सब लोग बताएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्राइडे मीन्स शुक्रवार। अच्छा ये बताइए ट्यूजडे मीन्स मंगलवार, वेडनेसडे मीन्स बुधवार, सैटरडे मीन्स शनिवार। चलिए आशा करते हैं कि इन सभी बच्चों को जल्द से जल्द याद हो जाएगा। और ये सभी बच्चे का जो अभी देख रेख था ये नीतीश सर के हाथों था, नीतीश सर यहाँ बैठे हुए हैं। मैं हमेशा बताते रहता हूँ कि जब भी विद्यालय या हॉस्टल के बच्चे होते हैं साथ में एक टीचर्स भी होते हैं जो उनकी देख रेख और उनके हर एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए वहाँ तत्पर बैठे हुए रहते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, यदि पसंद आया होगा तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, गुड वाला कमेंट कर दीजिए, साथ में इस वीडियो को अपने मित्र परिवार दोस्त के साथ शेयर करिए जिससे कि हमारे विद्यालय के बारे में आपके दोस्त मित्र परिवार जान सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।